नमस्कार, वीके न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिवसेना स्टाइल में किया आंदोलन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। धर्मपाल मेश्राम ने दिलीपल से पाटिल पर साधा निशाना, किरीट सोमैया पर हुए हमले पर कार्रवाई करने की मांग। और अमरावती में रवि राणा के घर पर पत्थर फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद हुए शिव सैनिक, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के उत्तरी नागपुर में कई दिनों से पानी को लेकर समस्या है। इस विषय पर शिवसेना के पदाधिकारियों ने नगर निगम और OCW को कई बार निवेदन दिया, लेकिन पानी के मुद्दे पर कोई भी समाधान नहीं निकलने की वजह से शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आशीनगर अंचल के OCW कार्यालय में जाकर शिवसेना शैली में आंदोलन किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिवसेना के कार्यकर्ता कंप्यूटर और कूलर की तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। धर्मपाल मेश्राम दिलीपल से पाटिल पर निशाना साधते हुए बोले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा से मिलने जा रहे थे, तभी उनकी कार पर हमला किया गया और हमले में सोमैया के चेहरे पर चोटें आई है। भाजपा ने हमले के लिए कार्रवाई की मांग की थी। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीपल से पाटिल ने कहा था कि हमले की जाँच करनी होगी और उन्होंने संदेह जताया था कि चोट कृत्रिम थी या नहीं। इस पर धर्मपाल मेश्राम ने दिलीपल से पाटिल पर निशाना साधा। गृह मंत्री ते किती जबाबदारीनं त्यांनी हे विधान केलं याबद्दलच मला त्यांच्या हेतूबद्दल खरंतर साशंकता आहे। जर त्यांच्या मनात कोणत्याही पद्धतीची शंका असेल तर त्यांनी माध्यमांकडे अभिव्यक्त होण्यापेक्षा ते सरकारामध्ये जबाबदार पदावर बसलेले आहेत, त्यांना चौकशी करण्याचा अधिकार आहे। त्यांच्या आदेशाने चौकशीचे आदेश निर्गमित करता येऊ शकतात हे देखील ते कदाचित विसरले असावेत। आणि म्हणून माननीय गृहमंत्री नेमकेपणानं काय बोलले त्यांच्या हेतूबद्दलच संपूर्ण साशंकता आहे। आणि ते गृहमंत्री नसून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बसलेले एखाद्या विरोधी पक्षात बसलेले असल्यासारख्या नेत्यासारखं ते बोलले आणि त्यामुळं निश्चितच ही बाब निंदनीय आहे। याउलट त्यांना जर त्यांच्या मनात कोणत्याही पद्धतीची शंका असेल तर ते चौकशी करू शकतात आणि चौकशी जे काही निष्पन्न होईल ते मान्य करण्याची जबाबदारी ही त्यांची, आमची आणि सगळ्यांचीच राहील। त्यामुळं त्यांनी केलेल्या विधानाचा मी निश्चितपणानं कठोर आणि तीव्र शब्दात निंदा करतो। मुंबई में विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद राणा के अमरावती स्थित आवास पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक जमा हो गए थे। इसी समय शिवसैनिकों ने राणा के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए। इतना ही नहीं बल्कि उनके पत्थर फेंकते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जबकि ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। राणा ने यह भी आरोप लगाया था कि मेरे घर पर पत्थर फेंका गया, लेकिन पुलिस ने कहा था कि तब पत्थर नहीं फेंका गया था। नागपुर में जड़ीपटका पुलिस थाना अंतर्गत कुकरेचा नगर इलाके में लगातार 3 सेंधमारी की घटनाएं सामने आई हैं। ये चोर लोगों को सोते हुए पाकर उनके घर में उनकी मौजूदगी में ही चोरी करता है। इस मामले की जांच जड़ीपटका पुलिस कर रही है। नागपुर में आए दिन चोरियों की घटनाएं सामने आ रही है। कई दिन दहाड़े चोरी की जा रही है तो कई लोगों की गैर मौजूदगी में सेंधमारी की जा रही है। इन घटनाओं में अब और एक घटना शामिल हुई है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत कुकरेजा नगर इलाके में 26 अप्रैल को सेंधमारी की घटना सामने आई।
इस घटना से पहले भी ऐसी दो सेंधमारी की घटनाएं सामने आई थी, जबकि यह चोर लोगों को नींद में पाकर और उनकी मौजूदगी में ही सफाई से चोरी करता है। चोरों ने 20 से 25 लाख के गहने लूटे हैं। इस मामले में जरेपटका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस आरोपियों की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 26/4/2022 रोजी कुकरेजा नगर जरेपटका येथील विजय कटारिया यांच्या राहत्या घरातील अज्ञात चोरट्याने घरफोडी चोरी केलेली आहे। घरफोडी चोरी दरम्यान अंदाजे 20 ते 25 लाखाचे सोन्याचे दागिने आणि इतर काही रोख रक्कम चोरीस गेल्याचे ते सांगत आहेत। आम्ही घटनास्थळी भेट देऊन गुन्ह्याचा तपास चालू केला आहे। अज्ञात आरोपीचा जरेपटका पोलीस स्टेशनच्याकडून शोध सुरू आहे। याचप्रमाणे गेल्या आठवड्यामध्ये बेजनबाग या ठिकाणी 3 ठिकाणी अशाच प्रकारे घरफोडी चोरीची घटना घडलेली आहे। एकामध्ये 4 लाखाचा मुद्देमाल आणि एकामध्ये 1.5 लाखाचा मुद्देमाल चोरीस गेल्याचं आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये आणि या गुन्ह्यामध्ये आम्हाला प्रथमदर्शनी साधर्म्य दिसून आहे येत आहे। त्या दृष्टीने आमच्या आरोपीचा शोध सुरू आहे। बेजनवाजे एक जगह 4 लाख की चोरी आहे, एक जगह 1.5 लाख की चोरी आहे। विजय गोविंदराम कटारिया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 18, KK नगर, गुरु कृपा डेली नीड्स, अंकल आंटी की दुकान। और मेरे घर से 30 लाख रुपये और 30 लाख का गोल्ड और 5 लाख रुपये का कैश चोरी हो गया है। तो ऊपर से हाँ, घर में अंदर रूम में कोई नहीं सोया था, ऊपर के आया हाल में सोए थे और ऊपर रूम में सोए थे, पीछे से ऊपर से आया है और कैसे चोरी करके गया आइडिया ही नहीं। ये हम रात को 1 बजे के बाद सोते हैं, 1 बजे के बाद मालूम ही नहीं कितने बजे, सवेरे 6:30 पौने 7 बजे मालूम पड़ा हमारे को। क्या क्या चोरी हुआ? हमारा 30 लाख का गोल्ड चोरी हो गया और 5 लाख रुपये कैश। टोटल अमाउंट कितना? 35 लाख रुपए। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण। नागपुर के उनखाना पेट्रोल पंप के पास अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। दमकल की गाड़ी समय रहते मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से इसमें कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। वही शोभा व्यवहारे और अजय व्यवहारे, ये दोनों पति पत्नी, सुरक्षित है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में
में चाय के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में 35 वर्षीय व्यक्ति को चाकू से मारने की घटना सामने आई है। इसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन तहसील अपराध क्रमांक 256/22 कलम 326/504/34 या गुन्ह्यामध्ये 24 तारखेच्या सकाळी पहाटे 5 वाजताच्या दरम्यान गांधीबाग गार्डनच्या समोरच्या जागेमध्ये मोकळ्या जागेमध्ये काही 2 इसमांनी चाकूने हल्ला केला होता त्या जखमीवर। जखमी हा जेवण करून रात्रीच्या वेळी तो आपल्या घराकडे जात होता, कामावरून घरी जात होता, आणि त्यावेळेला हा हल्ला झालेला आहे। याच्यामध्ये 2 आरोपी आहेत, राकेश नरेश झोडापे वय 26 वर्ष राहणार पाचपावलीच्या हद्दीतला आहे, अक्षय भारत टेंबुर्णे त्याचा मित्र आहे, या दोघांनी किरकोळ कारणावरनं जखमीवर हल्ला केला होता आणि त्यामुळे हा गुन्हा दाखल होता। या गुन्ह्यातले 2 आरोपी अटक केलेले आहेत। नाही, बरोबर आहे, हेच कारण होतं। सकाळी तो पहाटे जात असताना चहा पिण्यासाठी तो थांबला आणि त्यावेळेला हे आरोपी आले आणि आम्हालाही चहा पाज अशा या कारणावरनं आणि तसंच खर्रा खाण्याच्या कारणावरनं या दोघांमध्ये किरकोळ बाचावाची वादविवाद झाला आणि त्यानंतर आरोपींनी त्याला स्टॅबिंग केलेलं आहे। नागपूर में पिछले 4 दिनों से तापमान बढ़ गया है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भारत के उत्तर पश्चिमी से मुख्य रूप से राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आज से अगले 2 दिनों के लिए नागपुर में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। नागपुर की गर्मी से अब नागपुरवासी हैरान हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से नागपुर में तापमान बढ़ गया है, जबकि नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तापमान और बढ़ने की जानकारी दी है, इसलिए नागपुर में अगले 5 दिनों तक गर्म रहने की संभावना है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार नागपुर, अकोला और बुलढाणा जिलों में भी तापमान बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए मौसम विभाग ने भी नागरिकों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि वे धूप के 12 से 4 घंटे के दौरान बेवजह घर से बाहर न निकले। नागपुर जिला प्रशासन को भी नागरिकों को धूप से बचाना चाहिए और छाया में आश्रय लेना चाहिए। अपील है कि जरूरत पड़ने पर ही पूरी सावधानी से घर से बाहर निकले। लोग खुद को धूप से बचाने के लिए तरह तरह के शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं और व्यापारी खुद को धूप से बचाने के लिए दुकानों में ग्रीन नेटिंग शेड लगाते नजर आ रहे हैं। छाया और ठंडक प्रदान करने के लिए नागरिकों ने अपने पिछवाड़े में हरे रंग के जाल लगाए हैं। गर्मी बढ़ना शुरू हो गया, पिछले 24 घंटे में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान में वृद्धि हो गई है और कुछ स्थान पे जो है तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जैसे वर्धा 45 है, ब्रह्मपुरी 44.9 है और चंद्रपुर 44.6 है, ये सब लगभग 45 के आसपास है। तो और बाकी जगह में भी देखें तो अकोला, नागपुर ये सब 44 के आसपास चल रहे हैं। तो संभावना ये बन रही है कि अगले 5 दिन जो है विदर्भ में काफ़ी गर्मी रहेगी। हीट वेव की चेतावनी दी गई है आज से, और आज और कल जो है कुछ स्थानों पे हीट वेव की स्थिति रहेगी, अगले उसके बाद के 3 दिनों में कहीं कहीं पे हीट वेव की स्थिति रहेगी। अभी जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वर्धा, चंद्रपुर, इसके बाद में अकोला, नागपुर, इन सब जगहों पे जो है टेम्परेचर 2-3 दिन में बढ़ के हीट वेव की स्थिति बन जाएगी। अभी जो मुख्य जो बढ़े हुआ है टेम्परेचर 45 के आसपास है वो 2 जिले हैं, वर्धा और चंद्रपुर, और आगे अकोला, नागपुर और बुलढाणा, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे 45 के आसपास टेम्परेचर जा सकता है। क्या मुख्य कारण है सर ये टेम्परेचर बढ़ने का? अभी जो है उत्तर भारत से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं राजस्थान की तरफ से वो ड्राई और हॉट एयर जो है वहाँ से आना शुरू हो गया है, और जो सेंट्रल इंडिया में विंड डिसकंटिन्यूटी थी जिसके कारण बंगाल खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था वो कमज़ोर पड़ गया है और उसका असर कम हो गया है क्योंकि वो थोड़ा दक्षिण में भी चला गया, तो इसलिए उसका विदर्भ में उसका असर। बिजली बिलों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता अब एक कदम उठा रहे हैं। 26 अप्रैल दोपहर 3 बजे शहर अध्यक्ष आमदार प्रवीण डटके जी के नेतृत्व में आज बढ़े हुए बिजली बिलों के विरुद्ध में काटोल रोड एमएससीबी कार्यालय में निवेदन दिया गया। इस अवसर पर भाजपा के सभी आमदार उपस्थित थे, साथ ही भाजपा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आम्ही परवा माननीय बावनकुळे साहेब असतील, कृष्णा भाऊ असतील, मोहन भाऊ, विकास भाऊ, संजू मास्तर यांच्या नेतृत्वात आमचं परवा आंदोलन झालं। आपण सगळेजण तिथे होता। नागपुरातल्या नागरिकांना अन्यायकारक सिक्युरिटी डिपॉझिटचे बिलं येत आहेत। आत्ता दोडके साहेबांकडे जेव्हा आम्ही चर्चा केली तेव्हा संजू मास्तरांनी सांगितलं की हा जो आदेश आहे हा 2002 2022
पण सिक्युरिटी डिपॉझिट भरणं हे कुठलंही मँडेटरी काम नाही, कुठलाही कंपल्सरी विषय नाही। त्यामुळे पहिला मुद्दा असा आहे की मी आपल्या माध्यमातल्या नागपुरातल्या सर्व वीज ग्राहकांना विनंती करतो आहे की कोणीही सिक्युरिटी बिल डिपॉझिट भरण्याची गरज नाही, तसा दबाव नाही, आणि हे भरलं नाही तरी तुमचं कोणीही मीटर कापणार नाही, त्यामुळे कुठलाही अन्यायकारक सिक्युरिटी डिपॉझिट भरण्याची गरज नाही। नंबर दोन, गेल्या अनेक दिवसापासून नितीन राऊत साहेब वेगळं बोलतात आहे, डिपार्टमेंट वेगळं बोलत आहे, आत्ता डिपार्टमेंटला आम्ही 4 दिवस झाले लोडशेडिंग केलं नाही, पण रोज कुठल्या ना कुठल्या कारणास्तव लाईट चालल्या आहेत। मग कधी पश्चिम नागपुरात चालले, कधी पूर्व नागपुरात चालले, कधी मध्य नागपुरातले चालले, त्यामुळे अघोषित लोडशेडिंग तात्काळ थांबावं अशी आमची मागणी आहे। त्यांनी सांगितलं आता आम्ही करणार नाही, अदानींकडनं 1500 मेगावॅट यायची, 3000 येऊन राहिली आहे, आणि 1000 किलोवॅटचं त्यांचं लोड पण कमी झालं असं त्यांनी आत्ताच सांगितलं। त्यामुळे त्यांना त्यांनी आज आम्हाला आश्वस्त केलं आहे की सध्या कुठलंही लोडशेडिंग होणार नाही, पण जर अघोषित लोडशेडिंग झालं तर आम्ही ते सहन करणार नाही, हेही त्यांना तितक्याच खंबीरपणे आम्ही सांगितलं आहे। कोळशाचा विषय असेल, खाजगी वीज खरेदण्याचा विषय असेल, 8-8 सरकारी संयंत्र बंद ठेवून खाजगी वीज घेण्याचा घोटाळा असेल, या सगळ्या बाबतीत चर्चा झाली आहे, आणि त्यांनी आश्वासन दिलं आहे की नागपुरातल्या नागरिकांवर आम्ही कुठलाही लोड शेडिंगचा अन्यायकारक निर्णय करणार नाही असा त्यांनी शब्द दिला आहे। तो पाहू, जर अघोषित किंवा घोषित लोड शेडिंग झालं तर आम्ही सरकारला आणि डिपार्टमेंटला सोडणार नाही। नागपुर के कपिलनगर पुलिस थाने के तहत एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र 30 से 35 वर्ष की बताई जा रही है। वहीं मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, जबकि मृतक की मौत की वजह उसने पी हुई शराब और बढ़ती धूप होने का अंदाजा कपिलनगर पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। मृतक का शव बरामद कर मेयो अस्पताल भेजा गया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। आज सकाळी कंट्रोलच्या कॉलवर आम्हाला ततागत चौक गर्जनबारच्या बाजूला झाडाखाली एक रस्त्याच्या बाजूला पडल्याची माहिती मिळाली होती। त्याप्रमाणे पोलीस स्टाफसह त्या ठिकाणी रवाना झालो। त्या ठिकाणी एक 30 ते 35 वयाचा इसम मृतावस्थेमध्ये मिळून आला। सदरच्या इसमाची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला असता आजूबाजूच्या परिसरामध्ये त्याला ओळखण्याकरिता कुणी ओळखलेलं नाही आहे, त्याची अद्याप ओळख पटलेली नाही आहे। मृताचे अंगामध्ये एक लाल रंगाचा शर्ट तसेच ब्राऊन रंगाची पॅन्ट आहे आणि अजून तरी ते ओळख नसल्याने ओळख पटली नाही, परंतु त्याचे प्रयत्न पुढील कार्यवाहीसाठी मेयो हॉस्पिटल या ठिकाणी घेऊन गेलेले आहेत। ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तसेच त्याचा सध्या मृत्यू कोणत्या कारणामुळे झाला असावा याच्याबद्दल पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर पूर्णपणे तपशील देता येईल। तरी सुरुवातीला त्याच्या तोंडाचा दारूचा वास येत आहे, त्याचबरोबर काही गुणामुळे त्रास झाला आहे का, या गोष्टीची खात्री पोस्टमॉर्टम नंतर होईल। नागपूर के गुरुद्वारा में री इलेक्शन आंदोलन किया गया। गुरुद्वारा की मुख्य सेवालाल जसपाल सिंह जो 2018 में चुने गए थे, हर साल 3 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए जब तक री इलेक्शन नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा, ऐसा जनरल सिंह रेल ने कहा। ये हमारा आंदोलन है गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार के कारण। हमारा जो हमने सिलेक्ट किए थे 18 में सरदार जसपाल सिंह जी, तो उनका 3 साल के बाद टर्न खत्म हो जाता है, तो उन्हें 3 साल के बाद इलेक्शन कराना चाहिए। और उनका एक्चुअल क्या है कि ना तो संविधान के साथ वो चले हैं, ना उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग ली है, ना ही 3 साल में अकाउंट किया है। उसके बाद में कोरोना था इसलिए उसको 5-6 महीने के और एक्सटेंशन दिए, उसमें उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिए। उसके बाद उसने चैटी कमीशन किया हमको 1 साल की एक्सटेंशन चाहिए, तो चैटी कमीशन से ऑर्डर हुआ है कि तुम 31 मार्च के पहले इलेक्शन कराओ, तुम ना तो कोई प्रधान हो ना कोई उनका ऑर्डर है इसका। तो उसमें उन्होंने क्या किया, 29 मार्च से डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन के लिए, और उसके बाद में ना तो उन्हें कोई अकाउंट दिया, और जिस टाइम इलेक्शन शुरू होता है उसके लिए क्या रहता है हमारा प्रोसीजर, हमारे बायलॉज का कहना है कि जिस टाइम इलेक्शन चालू होगा जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर वो अपना पहले अकाउंट देता है और अपने पूरी कमेटी को डिसॉल्व करता है, उसके बाद में नया मौके का प्रधान चुना जाता है, वो भी यानी गुरु अमलाधारी चाहिए, उस प्रधान का सिलेक्ट होता है, उसके बाद वो मीटिंग चालू करता है। उन्होंने ना तो मौके का प्रधान चुना, ना ही उन्होंने मतलब इलेक्शन वो किया, उन्होंने अपने आप में बैठे एक आदमी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, ये मौके का प्रधान है, उसने बोल दिया कि ये सिलेक्ट हो गया, ये प्रधान है राजा को, यानी जसपाल सिंह को द्वारा उन्होंने अपने बैठ के बगैर किसी से यानी मेंबर्स से पूछे, यानी अनजस्टिफाइड मैंने बायलॉज के बगैर आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने उसको अपने आप को प्रधान को खुद ही कर दिया, खुद ही कर दिया, संगत ने नहीं किया है। और उसके बाद में वो हमारा सबका अब ये कहना है, ये जो एजिस्टेशन है वो अपने उसके लिए रखेंगे, भाई तुम जो प्रधान बने हो गलत बने हो, तुम्हारे को संगत ने प्रधान नहीं बनाया, तुम ऐसा करो री एक्शन कराओ,
जिसमें सब लोगों को पता लगे कि भी ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये जब तक वो अपना री इलेक्शन नहीं कराता, जब तक वो इलेक्शन नहीं कराता। परिचय दीजिए। मेरा नाम है जनरल सिंह रेहल, मैं एक्स प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा कामपुरनाथ। तो वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।